बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज ज़ियाउर रहमान और आप देख रहे हैं ज़िया साहब यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने जा रहा हूँ मार्केट के कुछ उछलते हुए करेक्टर्स की, जिसने भाई आजकल मार्केट में अखीर की सब्जी धूम मचाई है। हाँ जी, मैं बात करने जा रहा हूँ दानियाल, मानो और जूली की। कौन है ये लोग, चाहते क्या है, ये आज आप मुझसे सुनेंगे। वैसे पता तो आपको भी है, लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। असल में मैं नहीं बताऊंगा, आज हमारे इस शो में हमारे मेहमान बताएंगे। लेट्स वेलकम हाजी ज़िया साहब। तो हाजी ज़िया साहब, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ यार, मुझे क्या होना है, अजीब बंदा है अपने डबल करेक्टर बना के मेरे ही हाल पूछी जा रहा है। अरे सर, ये कैसी बात होगी, एज अ होस्ट मेरा तो हो गया आपसे हाल पाल पूछना, तो मैं तो पूछूंगा सर कैसे हैं आप। मैं नहीं बताऊंगा। चले सर, ये तो आपकी मर्जी है, चले अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सर, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, ये कौन है सर, ये हमारे पास मानो, जूली और दानियाल, क्या सीन है, मतलब क्यों आजकल ये वायरल हुए पड़े हैं? दरअसल ये यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। तो क्या यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट ही होना उनकी शोहरत की वजह है सर? नहीं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ये जरूर है, लेकिन इनकी वजह शोहरत कुछ और है। नहीं सर, मतलब क्या है आपके कहने का? मतलब ये कि बहुत लंबी कहानी है, मैं फिर कभी बताऊंगा। हाजी साहब, आपको बताना होगा, पूरी दुनिया से लोग आपको देख रहे हैं। चलो सुनो फिर। हाँ जी सुनाए। ये ना चार दोस्त होते हैं, चार दोस्त, लेकिन अभी तो तीन थे। हाँ तीन थे, मौके वारदात के वक्त तीन थे, उससे पहले चार थे, और चौथे का नाम था हसन। नहीं क्या मतलब सर, वारदात में हसन मर गया? अबे नहीं यार, बात तो सुन लो। वही तो सुनने बैठा हूँ मैं। बात यह है कि हसन टाइम टू टाइम ही निकल गया था, और हसन के जाने की वजह से ही वारदात हो गई। नहीं हाजी साहब, क्या मतलब कि हसन ने जाने के बाद तो बंदे भेज दिए थे जिन्होंने जाके वारदात कर दी? नहीं भाई, हसन की मौजूदगी में वारदात नहीं हो सकती थी। नहीं क्या मतलब भाई साहब, क्या हसन कोई पुलिस वालों का बंदा था? भाई वो पुलिस वाला हो या ना हो, बस मैं कह रहा हूँ ना कि हसन की मौजूदगी में वारदात नहीं हो सकती थी, तो बस मतलब नहीं हो सकती थी। अच्छा, तो फिर हसन जैसे गया वारदात हो गई, ऐसे ही? नहीं, वारदात फिर भी नहीं हुई। नहीं क्या मतलब नहीं हुई, आपने कहा कि हसन के जाते हुए ही वारदात हो गई। नहीं, हसन के जाने के बाद ही हुई, लेकिन अभी कोई और भी है जिसकी वजह से वारदात नहीं हो सकती थी। हाजी साहब, मैं बिल्कुल नहीं समझ रहा आपकी बात, आप कहना क्या चाहते हैं? भाई जूली बहुत ही खतरनाक खातून थी, जूली एक बहुत ही शक्तिशाली थी, वो बड़ी रुकावट पैदा कर सकती थी वारदात में, और वारदात के लिए उसका सफाया लाजमी था। अच्छा अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि जूली को कोड लखपत स्टेशन से ट्रेन पे बिठाकर पतोकी भेज दिया गया। पतोकी क्यों भेज दिया? क्योंकि फिर वारदात के बाद मानो और दानियाल जूली को पतोकी से वापस ले आए। नहीं एक मिनट हाजी साहब, ये वारदात हुई कहाँ और किसने की, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जूली को वापस कैसे लाया गया यार? हाजी साहब आप बात को ना कॉम्प्लेक्स बना रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा। भाई मैंने तो पहले ही कहा था लंबी कहानी है, मैं फिर कभी सुनाऊंगा। नाज़रीनो हज़रात, मुझे तो हाजी साहब की कोई बात समझ में नहीं आई। अगर आप एक्चुअली जानना चाहते हैं कि ये मामला क्या है, वैसे तो आपको सब पता है, लेकिन फिर भी अगर मुझसे जानना चाहते हैं तो अपनी फेसबुक का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, मुझे जाएं डायरेक्ट मैसेज करें, मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं ये मामला है क्या। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।